नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग काजल मेघा म्यूजिक में बैठे हुए हैं और हमारे मेस कंपनी के मालिक बबलू जी भी रिकॉर्डिंग पर बैठे हुए हैं और हमारे दिल्ली क्वालिटी हमारे दीपू जी भी आए हुए हैं दिल्ली से चलकर मिलने के लिए। बहुत खुशी हुआ और सबसे खुशी की बात है, अरे खुशी तो नहीं है, दुख की बात है, जो अभी हम लोग के बीच में जो वो बीमारी कौन सा है, बीमारी है कोरोना। कोरोना का जो माहौल इसमें चला है, हर इंडिया से रहते हुए यूपी बिहार चारों तरफ भय बनाए हुआ है, डर बनाए हुआ है। तो उसी के प्रचार करने के लिए, सबको सतर्क करने के लिए हमारे यूपी से संत कबीर नगर से हमारे औध पथिया जी बहुत सुंदर एक गाना लेकर आए हुए हैं। सबसे खुशी की बात है ना, ये सैड सॉन्ग लाए हैं, ना लव सॉन्ग लाए हैं, ना चैता का लाए हैं, लाए भी है तो एक कोरोनामा का करनामा जो है, जो सबको भय में डराव कर दिया है। और उस चीज को आज काजल अनोखा म्यूजिक से निकल रहा है, आप लोगों को संदेश दे रहा है कि इस बीमारी से आप लोग बचिए, थोड़ा दूरी बनाइए। तो आइए सुनते हैं हमारे औध पथिया जी, ये आपका ये गाना हमारे में कैसे घुस गया? देखिए गुरुजी, पहले तो आपको हम प्रणाम करते हैं। अरे भगवान आपको आगे बढ़ाए। हिंदुस्तान के श्रोतागण को हमारा अवध उपाध्याय का बार बार प्रणाम और हनुमान जी के कृपा से आपका यह स्टूडियो हम नेट पर देखे तो हमें बड़ा अच्छा लगा। आपके विचारों से, आपके व्यवहार से, आपके स्टूडियो को देखते हुए हमारे दिल में यह आया, भावना आया कि क्यों ना सारे हिंदुस्तान को सतर्क करें, इसका प्रचार करके लोगों को जागरूक किया जाए। तो हमने कॉमेडी बनाया इस गाने को लेकर के कि कोरोना नामक जो वायरस है, पूरा हिंदुस्तान दहला हुआ है, इससे लोग सतर्क हो जाएं, संभल करके अपना जीवन यापन करें, अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। यही संदेश देने के लिए हमने इस गाने को बनाया, अच्छी तरह से सजाया हूँ। हो सकता है सारे जन लोगों को, सारे लोगों को, सारे श्रोतागण लोगों को यह अच्छा लगे, इससे सीखें और हम भी रहे, आप भी रहे, पूरा हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे, आबाद रहे, यही हमारी इच्छा है। चलिए उपाध्याय जी, बहुत अच्छा लगा। आप ब्राह्मणपुर से हैं और एक कलाकार भी हैं और ऐसे आप उभरता हुआ कलाकार जो सबको संदेश गाने के माध्यम से दे रहे हैं, तो आइए हम चलते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। और हम भी यही कहेंगे भैया, आप लोग थोड़ा दूरी बना के रखिए, इससे अगर बीमारी किसको महसूस हो तो उससे अलग रहिए। हाँ, आप जो गाने के माध्यम से करे हैं तो इस गाने को आप इसको प्यार में ढले हैं कि जो जिस तरह से इंसान को प्यार हो जाता है, पागल हो जाता है, उस इस गाने को जितना हो सके लोग सब्सक्राइबर करें, बढ़ाएं, लोगों तक संदेश पहुंचाएं, यही हमारी सोच है। इसमें सबका भला है, पूरे विश्व का, पूरे जनमानस का भला है इस गाने में। यह ना तो पहला नंबर, गुरुजी आपको बता दें, आज के युग में लोग फूहर पातर वगैरह वगैरह गा रहे हैं, तो हमें उससे नहीं देश का भला होने वाला है, देश का भला इस गाने से होने वाला है। इस गाने को सुन करके पूरे हिंदुस्तान को सतर्क हो जाना चाहिए, हमारी यही सोच है, हमारी यही गणित है। चलिए तो ठीक है, स्टार्ट किया जाए। हाँ, स्टार्ट करिए, पूरे हिंदुस्तान को जंप कर गई और अच्छा संदेश दीजिए, रेडी। हेलो हेलो हेलो, के बोलता है? बोलता अरे बाप रे बाप, भाड़ में जाए तो हर प्यार जान ले बुका। बतावा तारो जान ले बुका, अहिता दला गर्दा फरान ले बुका। बताओ तारू जान ले बुका, अहिता दला गर्दा
तोहारी चुम्मा ना चाहि तोहार प्यार ऐसे ना बतावा तहलो जाने बुका अभी दादा लागत पराने ले बुका ऐसे नाम बताओ तारू जाने बुका अभी दादा लागत पराने ले बुका गाना को पूरा तैयार कीजिए और इसको हम 2 से 3 दिन में बहुत जल्दी रिलीज करने वाले हैं। ठीक है, आपने अच्छा संदेश दिया है। चलिए इसी के साथ साथ राधे राधे।